चाल है, मैं करियर से हूँ। आज हम जा रहे हैं मलकांस, जहाँ पे आपने सुना होगा हीर राम जी की कहानी, बाबा वारिस शाह ने वहाँ पे बैठ कर लिखी थी मलकांस में। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ का विजिट कराएंगे और रास्ते में भी आपको सैर करवाते जाएंगे। आए मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, आए आ जाए, आगे चले, हम ये साथ आपको दिखाते चलेंगे। तो ग्रीन नगर कहते हैं, करिए तो भाई ठीक हो और सब मेहरबानी। बड़े खूबसूरत अंदाज में
यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल वगैरह बड़े खूबसूरती से सजाए होते हैं, लाइटें जलाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इधर तफरी के लिए। ये सारा इलाका जब मिल जाते हैं प्यारा इलाका है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है इधर। ये सारी आप नागरिक देख रहे हैं कितनी खूबसूरत ये बनी हुई है इमारात। OPF पब्लिक स्कूल है। कैनाल है ये, देखे जी इधर मोबाइल ना बीच में गिरा देना यार मेरा ख्याल से। ये देखेंगे ये नादरीन इसको 19 SP ये 7 गांव है ना 19 SP। ये छोटा सा पार्क बना हुआ है। यहाँ से हम टर्न लेंगे और आगे जो है ना जमाल चौक और ये देखें कितना खूबसूरत वन वे। यहाँ से हम जाएंगे जमाल चौक और जमाल चौक से सीधा ललका हाउस वो मस्जिद दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी ग्रीन मार्केट गल्ला मंडी सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट है। बड़े खूबसूरत अंदाज में नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारा शहर कितना नीट एंड क्लीन है। यह है जी रॉयल गार्डन मैरिज हॉल। रॉयल गार्डन मार्केट कहते हैं। साहिवाल और मुल्तान की तरफ जाती हैं। साहिवाल से आगे
नाज़रीन, अभी हम पहुंचने वाले हैं जमाल चौक में। के अड्डे वगैरह इधर है जमाल चौक में, क्योंकि ये शहर से बाहर है, ये लिखा भी हुआ है। तो जितने ट्रकों के स्टैंड हैं ट्रक्स वगैरह रेंट पे लेने के लिए, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यहाँ से लोग आते हैं। ये जमाल चौक आ चुका है, तो यहाँ से बसें जाती हैं और वैन और जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो मुल्तान और साहिवाल की तरफ जाती है। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।